Hello guys, how are you? In this video, we're gonna discuss a very important topic known as back bonding in inorganic chemistry. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं what is the meaning of phenomenon of back bonding. तो इसको define करने से पहले हमें कुछ examples लेने पड़ेंगे जिससे हमें understanding होगी कि इसका real में meaning क्या होता है. जैसे कि let us take the example of this particular cation. यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जैसे कि आप देख पा रहे हो. तो इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल है. इट इज़ वेकेंट पी ऑर्बिटल, पी एम्प्टी. और ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है इसके पास लोन पेयर है, यानी इसका जो ऑर्बिटल है दैट इज़ फिल्ड. इट इज़ अ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना. इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा इस कार्बन एटम को, जिससे यहाँ इस तरह की स्पीसी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. तो ये जो फेनोमेनन हुआ जिसमें ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एडजेसेंट एटम को दिया, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर इस बैक बॉन्डिंग की बात करें तो इसको हम बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग. वाई, क्योंकि ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये भी पी ऑर्बिटल है और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने वो भी पी ऑर्बिटल है. तो दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन हुआ वो कौन से बॉन्ड का हुआ, पाई बॉन्ड का हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग. सो व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं. लेट अस से वी हैव दिस पर्टिकुलर केटायन और यहाँ पे एन के पास लोन पेयर है, तो इसके पास फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल है. इट हैज़ फिल्ड पी ऑर्बिटल. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास पी है लेकिन वेकेंट पी ऑर्बिटल है. अब यहाँ पे प्लस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा जिससे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और इससे जो कार्बन एटम है उसकी ऑक्टेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग. यानी जो फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल है ये वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग. सो कैसे इसको डिफाइन करना चाहिए. सो इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फिल्ड शेल टू एम्प्टी शेल. फील्ड शेल के अंदर जो लोन पेयर अवेलेबल होता है उसको एम्प्टी शेल में जब डोनेट किया जाता है तो उस डोनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. अब जैसे इस केस में यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग है, दैट कैन बी पी पाई डी पाई एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH2 नेगेटिव और यहाँ पे क्लोरीन है, लेट अस से यहाँ पे CH2 नेगेटिव और यहाँ पे फ्लोरीन है. अगर दोनों की स्टेबिलिटी हम कंपेयर करें तो इस केस में स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी का ये होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, ज़्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को. तो ऐसे केस में इट शुड बी मोर स्टेबल, बट इन रियलिटी दिस इज मोर स्टेबल. द रीज़न इज क्लोरीन इंडक्टिव से, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसमें तो फ्लोरीन जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है. क्लोरीन हैज़ वेकेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल. और ये जो सी नेगेटिव है इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर है, तो इसके पास पी जो है वो क्या है, भरा हुआ है, फिल्ड पी ऑर्बिटल है. जैसे कि आपने देखा व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, इट इज़ ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फिल्ड शेल टू एम्प्टी शेल. तो ये पी फिल्ड शेल है और ये एक डी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी शेल है. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव. अब ये ओवरलैप उतना स्ट्रांग नहीं होता है बिकॉज P और D की शेप में काफ़ी वेरिएशन रहता है. जो D ऑर्बिटल्स रहते हैं इनकी शेप कैसी होती है, डिफ्यूज शेप होती है, ठीक है. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग उतना अच्छा ना होने की वजह से ये जो ओवरलैपिंग है, मतलब ये बॉन्ड है, उतना स्ट्रांग नहीं फॉर्म होता और इस बैक बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पी ऑर्बिटल था और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है. तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के अंदर जो पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो पी पाई डी पाई से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है. तो आई होप आपको बैक बॉन्डिंग का आइडिया तो लग गया होगा. सिमिलर क्वेश्चन ऐसा CCl3 नेगेटिव एंड CF3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इन दोनों में से एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, बट इन रियलिटी द ऑर्डर इज दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेनोमेना, दैट इज़ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग. ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस Cl को भी दे सकता है, इस वाले क्लोरीन को भी दे सकता है और इस वाले क्लोरीन को भी दे सकता है. तो तीन जगह पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कई सारे एटम्स में.
आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखना है। जैसे पीएच थ्री है, पीएच थ्री का अपन नॉर्मली शेप ड्रॉ करते हैं, तो ये पीएच थ्री है, ठीक है। हम इन बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करेंगे, इस बॉन्ड एंगल को मान लेते हैं फाइव वन, और लेटेस्ट से यहाँ पे हम लेते हैं पी एफ थ्री, और इस बॉन्ड एंगल को हम मान लेते हैं फाइव टू, ठीक है। अब इन दोनों में से जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का, दैट शुड बी, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा ये, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। द रीज़न इज़ पी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो उनमें रिपल्सन्स होंगे, और यहाँ पे अगर रिपल्सन्स होंगे तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे इस एरिया में डेंसिटी लेस होगी तो उतनी रिपल्सन्स नहीं होंगे, तो बॉन्ड एंगल रिलेटिवली लेस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे ये आंसर आना चाहिए था, बट इन रियलिटी दिस इज द आंसर। बॉन्ड एंगल यहाँ पे पी एफ थ्री के केस में रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। द रीज़न इज यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है इसके पास फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और ये जो फॉस्फोरस है इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। फॉस्फोरस, क्लोरीन वगैरह इन सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉस्फोरस को डोनेट करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा सकते हैं हम, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये एक तरह का डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस भी इसको कह सकते हैं। तो इसी तरीके से तीन स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, और सिमिलरली एक यहाँ से। इसके बेसिस पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे ड्रॉ होगा, जो इसका हाइब्रिड ड्रॉ होगा, उसमें क्या होगा, जो इन सब का मिक्सचर होगा, उसमें हम यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। जब पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इनमें रिपल्सन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अलावा पार्शियल पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है, जिस कारण इनके बीच में रिपल्सन बढ़े और बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो बैक बॉन्डिंग से काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बोरोन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपेयर करनी है। एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे बी एफ थ्री और एक आपको गिवन है बी एफ फोर माइनस। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी और काफ़ी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। बोरोन जो होता है इसकी ऑक्टेट बेचारे की इनकम्प्लीट होती है, तो इसमें पी वेकेंट ऑर्बिटल है, इट हैज़ अ वेकेंट पी ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास फुली फिल्ड और पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, जिस कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके की बैक बॉन्डिंग यहाँ भी हो सकती है, इसी तरीके की बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है, जिस कारण यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कुछ इस तरीके का, जिसमें आप पार्शियल बॉन्ड आएंगे और चार्ज भी आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा और फ्लोरिन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पार्शियल बॉन्ड आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम बी एफ फोर माइनस की बात यहाँ पे करते हैं तो ऐसे केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बोरोन ने अब चार बॉन्ड बना लिए हैं, तो इसकी ऑक्टेट जो है वो क्या आ रही है, कंप्लीट आ रही है। व्हेन द ऑक्टेट इज़ कंप्लीट, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। यानी बॉन्ड लेंथ को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इस केस में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बी एफ थ्री के कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस B3N3S6 का, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। अब इसमें जो एरोमेटिक करेक्टर आता है, ये कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इट इज़ एरोमेटिक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। इसमें 2P pi and 2P pi बैक बॉन्डिंग होगी। ये 2P मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड सीरीज़ के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इसमें 2P वर्ड का यूज़ किया गया। अब यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो किस में होगी, आप शायद ऑब्जर्व कर सकते हैं, एन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली एन यहाँ पे इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये नाइट्रोजन इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे टोटल यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे, विच इज़ वेरी सिमिलर टू बेंजीन। इस कारण ये रिंग क्या बन जाएगी, एरोमेटिक बन जाएगी। सो गाइज, ओवरऑल आपने बैक बॉन्डिंग के फेनोमेना में क्या जाना, इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, जिसमें फिल्ड शेल के अंदर लोन पेयर अवेलेबल है, वो एक वेकेंट शेल में जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन सप्लायर होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या फ्लोरीन होता है या कार्बन पे जब लोन पेयर होता है, ये इन जनरल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। इट कैन बी पी पाई और पी पाई डी पाई। पाई इसको क्यों बोला, क्योंकि ओवरलैप इसमें
पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसलिए इसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है पी पाई, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे। ओके गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो ATP का फेसबुक का पेज है गाइज, प्लीज़ आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो वीडियो है इसके लिंक में गिवन है, ठीक है, प्लीज़ आप उसको लाइक करें और एक ऑनेस्ट रेटिंग हमें दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें। ओके गाइज, थैंक्स इन एडवांस, बाय बाय एंड टेक केयर।